नमस्कार किसान भाइयों, हम अपने खेत में यहाँ पे आ चुके हैं 30 दिन बाद। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा धान की नर्सरी जो है, मैं संडा लगाया था, तो 30 दिन के बाद तैयार हो जाएगी, 25 से 30 दिन में। तो आइए देखते हैं कितना तैयार हुई है, कैसी है, तो बने रहे वीडियो में। तो गाइस, हम यहाँ पे 30 दिन बाद आ चुके हैं अपने खेत में, और हमारा ये संडा जो है पूरा तैयार हो चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2-2 फीट से ज़्यादा ज़्यादा की हाइट हो चुकी है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके मोटे मोटे कल्ले हो चुके हैं एक एक करके। जब मैं लगाया था तो बड़ा बारीक था, अभी आप देख सकते कितना मोटा मोटा है। अभी आपको हम दिखाते हैं इसका पहला वीडियो, जैसा कि मैंने आपको रोपते समय दिखाया था, संडे लगाते समय कितना छोटा छोटा था, अभी कितना बड़ा हो गया है। हाँ तो किसान भाइयों, हम यहाँ पे आ चुके हैं 30 दिन पहले, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे संडे की रोपाई जो मैं यहाँ पे आपको दिखाया था पहले वीडियो में, कि हमारा यहाँ पे 25 से 30 दिन में संडा तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना छोटा छोटा हमारा संडा है और कितना मैंने रोपा है। और अब का जो है, अब आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने संडा लगाया था, तो यहाँ पे मैंने 8, 8, 10, 10 यहाँ पे मैंने लगाया था धान का पौधा, और यहाँ पे भी हम एक एक लगा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो संडे की कल्ले हैं वो मोटे हो चुके हैं। संडा लगाने से आपको बहुत फ़ायदा है, इसमें आपकी मनी डबल ग्रो करेगी, और ये इसमें जल्दी आपको रोग नहीं लगेगा, और ये ज़्यादा खेत में आप इसको रोप सकते हैं उसके प्रति। जैसा कि आप बिया अगर रोपेंगे तो धान की, तो सिर्फ आपको 1 एकड़ अगर आप रोपेंगे धान की बिया से खेत, और अगर आप सांडे से लगाएंगे खेत, तो आपको 3 एकड़ आप रोप सकते हैं उसी बिया से, जो धान की नर्सरी है उसके पौधे से आप फंडा लगा के 3 एकड़ तक की रोपाई कर सकते हैं। और इसमें सांडे में क्या होता है कि यहाँ पे आपको डबल मुनाफा होता है, और यहाँ पे आपकी जो है कोई भी किस्म हो उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप सांडे से रोपाई करिए। और आप एक बार करेंगे तो आप बार बार यही सांडे से रोपाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैंने यहाँ पे अपने सांडे में मैंने किसी भी खाद का प्रयोग नहीं किया था, मैंने सिर्फ गोबर फेंक के यहाँ पे मैंने काम किया था गोबर से ही। तो आप लोग इसमें डाई का भी यूज कर सकते हैं। रोपाई करने से आपको 2-3 दिन के बाद यहाँ पे आप बाहरी खाद का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको वर्ग मीटर के हिसाब से। अगर आपका 100 से 110 वर्ग मीटर है, तो आप वहाँ पे 1.5 किलो डाई और 1 किलो यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। रोपाई के 2 से 3 दिन के बाद अगर आप खेत में गोबर का साधन नहीं है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई डालूँ नई वीडियो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आप भी हमारी वीडियो देख रहे हैं फेसबुक पे, तो फेसबुक पेज को लाइक करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाके मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देता हूँ तुरंत। तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी RajFact87 के नाम से है, आप सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। तो हमारा अगला वीडियो रहेगा धान की रोपाई करने के बाद इसमें कौन सी दवा का छिड़काव करें कि हमारा जो धान है वो पीला न पड़े और सूखे न। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।